नमस्कार, आज दिन भर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। विधानसभा चुनावों में जीतने वाले और लोकप्रिय चेहरे वाले व्यक्ति को मिलेगी टिकट, कहा सांसद अनुराग ठाकुर ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी दिवस के अवसर पर हमीरपुर भाजपा मंडल द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी दिवस के अवसर पर इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी की खो खो की टीम को हार पर टोपी पहनाकर किया गया सम्मानित। हमीरपुर में दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन के नवनियुक्त अध्यक्ष सुशील शर्मा ने एस्टूडियो में बातचीत के दौरान बताई अपनी प्राथमिकताएं। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनावों में टिकटों के पैमाने पर सांसद अनुराग ठाकुर ने जीतने वाले और लोकप्रिय चेहरे वाले व्यक्ति को टिकट मिलने की संभावनाएं जताई है। हमीरपुर में सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनावों में जीतने वाले व्यक्ति पर ही पार्टी दाव खेलेगी और टिकट देगी। अनुराग ठाकुर ने इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि आज तक कांग्रेस ने झूठे आरोप लगाकर मोदी की छवि को खराब किया है, लेकिन पूर्ण बहुमत से सरकार पीएम मोदी की ही बनी है। विधानसभा चुनावों में टिकटों के पैमाने पर सांसद अनुराग ठाकुर ने जीतने वाले और लोकप्रिय चेहरे वाले व्यक्ति को टिकट मिलने की संभावनाएं जताई हैं। हमीरपुर में सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनावों में जीतने वाले व्यक्ति पर ही पार्टी दाव खेलेगी और टिकट देगी। अनुराग ठाकुर ने इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि आज तक कांग्रेस ने झूठे आरोप लगाकर मोदी की छवि को खराब किया है, लेकिन पूर्ण बहुमत से सरकार पीएम मोदी की बनी है। नया हो पुराना, नया हो पुराना हो, लेकिन दमदार जीतने वाला हो उसको टिकट मिलेगा। जहाँ पर विनेबिलिटी विल बी द ओनली क्राइटेरिया, पॉपुलैरिटी एंड विनेबिलिटी विल बी द सोल क्राइटेरिया। लोकप्रियता और जीतने की क्षमता केवल यही मापदंड होंगे जिसके कारण जिसके बलबूते पर अगला टिकट अवॉइड करेंगे। अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को अब डर है कि हिमाचल में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को इस बात का डर है कि गुजरात में कांग्रेस कभी नहीं जीत पाई तो हिमाचल में भी कांग्रेस का अब सफाया हो रहा है। जितने झूठे आरोप कांग्रेस ने 14 सालों में लगाकर मोदी जी की छवि को खराब करने का प्रयास किया, गुजरात की जनता पहले उनको वो सम्मान बार बार जताकर देती रही, जब देश की जनता को मौका मिला तब उन्होंने भी 1984 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में बनी। यही अमित शाह ने एक अहम भूमिका निभाई कि वहाँ पर 73 सीटें उत्तर प्रदेश में जिताई। तो वीरभद्र जी को मैं दर्द समझ सकता हूँ कहाँ से हो रहा है कि जो गुजरात में कांग्रेस कभी नहीं जीत पाई वो हिमाचल प्रदेश में भी अब उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी दिवस के अवसर पर हमीरपुर भाजपा मंडल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदेश देकर लोगों को जागरूक किया गया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने के लिए आह्वान किया गया। ये हमने जन्म शताब्दी वर्ष 25 सितंबर 2016 से शुरू किया था। 25 सितंबर 2016 को पंडित दीनदयाल जी का 100वां जन्मदिन था और उसके बाद ये पूरा जन्म शताब्दी वर्ष एक वर्ष के लिए मनाया गया और इस वर्ष में पंडित दीनदयाल जी के नाम पर कई प्रकार के जो कार्यक्रम थे वो हर मंडल में ही गए। हर मंडल में नहीं, पूरे देश में ये कार्यक्रम किए गए, प्रदेश में किया गया और भारतीय जनता पार्टी हमीरपुर मंडल में भी ये कार्यक्रम जो है वो बहुत बखूबी किया है। एक वर्ष सारे कार्यक्रम, चाहे वो जनसंपर्क अभियान के रूप में हो, चाहे विस्तारित योजना के रूप में हो या कोई और सफाई के रूप में हो, राजनीति
मैं लोगों को और प्रेरित करने की बात हो, जोड़ने की बात हो, और देश हित में जो काम थे, जो शिक्षाएं देश हित में पंडित जी ने दी थी, उनके बारे में लोगों को भी बताया गया, घर घर जाकर भी बताया, बूस्टर की छुट्टियों पर भी जाकर हमने बताया है। और आज ये शताब्दी वर्ष जैसे कंक्लूडिंग डे था, इसी उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया था ताकि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस जन्म शताब्दी समारोह को अच्छे से निभा सकें और कर सकें, और ये हमने आज किया है। इसके लिए मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ और आपका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आरजी फैशन पॉइंट हमीरपुर, जहां आप पा सकते हैं पहली बार स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस। आरजी फैशन पॉइंट जहां उपलब्ध है स्कूल कॉलेज की ड्रेसेस, शर्ट पैंट स्कर्ट एंड स्कूल बैग्स, फुल एंड हाफ कोट ब्लेजर जैकेट एंड किंडर गार्मेंट्स। साथ ही रेडीमेड में उपलब्ध है अनारकली सूट, कुर्ता और बच्चों के लिए ड्रेसेस की विभिन्न वैरायटीज। तो स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस के लिए कहीं और क्यों जाना, सिर्फ आरजे फैशन पॉइंट में ही आना। हमारा पता है आरजे फैशन पॉइंट, अपोजिट दीप एंड कंपनी, नियर सब्जी मंडी हमीरपुर। हमारा नंबर है 9817320738। आरके हॉस्पिटल हमीरपुर अब नई और एक्सपर्ट्स डॉक्टर की अनुभवी टीम ला चुका है आपके शहर हमीरपुर में। डॉक्टर रवि वर्धन प्रोपराइटर आरके हॉस्पिटल, डॉक्टर संजीव शर्मा एमएस ऑर्थो, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव एमएस गायनी, डॉक्टर एमएन कमाल एमडी पीडियाट्रिक, डॉक्टर केतन फिजियोथेरेपिस्ट। विजिटिंग डॉक्टर्स हैं डॉक्टर मोहित वालिया डीएम कार्डियोलॉजी, डॉक्टर सुशील राही डीएम न्यूरोलॉजी एंड डॉक्टर सनी बिर्डी डीएम पल्मोनरी। दिमाग और फेफड़ों की बीमारियों के डॉक्टर हर महीने के पहले शनिवार को, साथ ही हृदय रोग विशेषज्ञ हर महीने के पहले बुधवार को, साथ ही आरके हॉस्पिटल में हड्डी की चोट या फ्रैक्चर का इलाज, नॉर्मल डिलीवरी, इमरजेंसी सिजेरियन, बच्चों के विशेषज्ञ, NICU, PICU जैसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध, 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा। आरके हॉस्पिटल नाउ ISO 9001:2015 सर्टिफाइड, ऑपोजिट संत निरंकारी भवन, नियर हथली ब्रिज, भोटा रोड, हमीरपुर। रोहित ट्रेडिंग कंपनी सुजानपुर, हमारे यहाँ उपलब्ध है अंबुजा सीमेंट, जो आपके घर व दीवारों को बनाए मजबूत। घर की छत को मजबूत व सुंदर बनाने के लिए हमारे यहाँ हर तरह की कलरफुल सीट है उपलब्ध, जो आपके घर की छत को बनाए आकर्षक। हम देते हैं अपने सामान की पूरी गारंटी। हमारे यहाँ आप पाएंगे TMT सरिया, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ टाटा टिस्कॉन। हो बातें सपनों की, लो अपनों की एडवाइस, हो बातें प्यार की, सोचो मत ट्वाइस, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, हो खुशियाँ अपनों की, बनो थोड़ा वाइस। टाटा टिस्कॉन अटूट जोड़ के साथ इंडिया बोले लाइफ में, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। घर की चार दीवारी के लिए ले जाए एंगल पत्ती, आपके घर की छतों को निखारने के लिए कलर सीट के साथ GI सीट की भी है भारी रेंज। इसके साथ ही आप पाएंगे PVC पाइप्स, GC पाइप्स, हर तरह की पानी की भी टंकियों की है भारी रेंज। सुंदर घर स्वपन आपका, सहयोग हमारा। अपने घर के सपनों को साकार करने के लिए आज ही पधारे रोहित ट्रेडिंग कंपनी, नियर ब्यास ब्रिज, आलमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। हमारा नंबर है 9816452118163351444। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी दिवस के अवसर पर हमीरपुर के अणु में अटल वेलफेयर सोसाइटी के सौजन्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा सह प्रभारी नरेंद्र अत्री ने शिरकत की। इस अवसर पर इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी की खोखो की टीम को भी हार व टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। खोखो इंटर कॉलेज की प्रदेश की टीम 26 से 30 सितंबर तक पटियाला में राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेगी।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी दिवस के अवसर पर हमीरपुर के अणु में अटल वेलफेयर सोसाइटी के सौजन्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा सह प्रभारी नरेंद्र अत्री मौजूद रहे। इस अवसर पर इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी की खो खो की टीम को भी हार व टोपी पहनाकर सम्मानित किया। खो खो इंटर कॉलेज के प्रदेश की टीम 26 से 30 सितंबर तक पटियाला में राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेगी। इस अवसर पर नरेंद्र अत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में खो खो टीम में नेशनल खेलने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई कि वह प्रदेश का नाम रोशन करें, साथ ही प्रण लिया गया कि उपाध्याय के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी वर्ष पूरे वर्ष भर में सभी राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया, प्रण किया गया कि जो विचार उन्होंने इस देश को आगे ले जाने के लिए दिया है, उस विचार पर काम करते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उनके विचारों को आधार मानकर अपनी नीतियां, अपने केंद्र सरकार की नीतियां बनाई, जिसके कारण देश के करोड़ों लोगों को, जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचा। अटल वेलफेयर सोसाइटी ने वर्ष भर नशा मुक्त खेल युक्त अभियान चलाया, जिसके तहत 40 कार्यक्रम पूरे वर्ष भर किए गए। आज समापन के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित किया गया और उन्हें यहां से ब्रांड एम्बेसडर बनकर जाने के लिए आह्वान किया गया, ताकि वो समाज में जाकर ब्रांड एम्बेसडर बने नशा मुक्त खेल युक्त समाज अभियान के, और अपने युवाओं को प्रेरित करें खेल के मैदान में आने के लिए, अपने युवाओं को जागरूक करें नशे से दूर रहने के लिए। मैं अटल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आज इन युवाओं को यहां से शुभकामनाएं देकर भेज रहा हूं, और पिछले 40 कार्यक्रमों में जिन भी युवाओं ने इस हमारे अभियान में भाग लिया है उनका आभार भी व्यक्त करता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि आने वाले समय में वो समाज में और अधिक जिम्मेवारी के साथ अपनी भूमिका तय करेंगे, ताकि आने वाले समय में जिस तरह के भारत की कल्पना देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनाने की है, उस कल्पना को साकार करने में हमारा नौजवान भी अपनी भूमिका अदा कर पाए। जी ये हम की टीम के हैं, सारे अटल सोसाइटी ने हमें अभी सम्मानित किया, उन्होंने हमें नशे से दूर रहने के लिए भी प्रोत्साहन दिया और मतलब दूर रहना इन चीज़ों से और मेहनत करनी अपनी गेम में और आगे मेडल लाने। और ये है हमारा टूर्नामेंट हो रहा है इंटर यूनिवर्सिटी का और ये पंजाब में हो रहा है और हम पंजाब में जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने। गौरतलब है कि पटियाला के देशभक्त यूनिवर्सिटी परिसर में 26 से 30 सितंबर तक राष्ट्र स्तरीय इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी खो खो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर की टीम आज हमीरपुर से रवाना हुई है। वहीं दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को सम्मानित करके इस दिवस को मनाया गया। हमीरपुर जिला के गांधी चौक में रोशन कॉम्प्लेक्स के अंदर गणपति इंटरप्राइजेस के शोरूम का भी दिवस शुभारंभ हुआ। शोरूम का शुभारंभ पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष एवं प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य प्यारे लाल शर्मा ने किया। इस अवसर पर जिला भाजपा महामंत्री अजय शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। सर्वप्रथम प्यारे लाल शर्मा ने रिबन काट कर शोरूम का शुभारंभ किया। जिला हमीरपुर के गांधी चौक में रोशन कॉम्प्लेक्स के अंदर गणपति इंटरप्राइजेस के शोरूम का विधिवत शुभारंभ हुआ। शोरूम का शुभारंभ पूर्व जिला भाजपा एवं प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य प्यारे लाल शर्मा ने किया। इस अवसर पर जिला भाजपा महामंत्री अजय शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। सर्वप्रथम प्यारे लाल शर्मा ने रिबन काट कर शोरूम का शुभारंभ किया। उसके उपरांत हवन यज्ञ भी किया गया, जिसमें आहुतियां डालकर विधिवत रूप से शोरूम में कार्य आरंभ किया गया। गणपति इंटरप्राइजेस के प्रबंधक सदस्यों में पृथ्वीराज शर्मा, विशाल शर्मा व विकास शर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत एवं धन्यवाद किया। इस अवसर पर गणपति इंटरप्राइजेस के प्रबंधक विकास शर्मा ने कहा कि हमारा उद्देश्य ग्राहकों को कम दाम में उचित सुविधाएं प्रदान करना है, ताकि उपभोक्ताओं को अपने शहर में बढ़िया सर्विस प्रदान की जा सके। उल्लेखनीय है कि गणपति इंटरप्राइजेस की हमीरपुर शहर में ये तीसरी ब्रांच है, एक दुसड़का व दो हमीरपुर में स्थित है। वहीं गणपति इंटरप्राइजेस के पास लाभा और कोमियो मोबाइल कंपनी के केयर सेंटर भी हैं, जहां पर स्थानीय उपभोक्ताओं को विश्वसनीय सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इससे उपभोक्ताओं को दूर दराज या पड़ोसी राज्यों में सर्विस करवाने के खर्च से निजात मिल रही है। इस मौके पर प्रबंधक भागीरथ शर्मा, बाबूराम शर्मा, राहुल शर्मा, यश पाल शर्मा, दीपक सोनी आदि उपस्थित रहे। इंटरप्राइजेस का
कार्यक्रम है गाँव में और आपको उसका शुभारंभ हुआ है और मैं शर्मा परिवार को बधाई देता हूँ कि नवरात्रों के इस शुभ दिन पर इस शोरूम का उद्घाटन हुआ। मैं भगवान से भगवती माता से प्रार्थना करता हूँ इनका कारोबार इनका जो इस कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम शुरू किया है उन्होंने दिन रात दिन दुगनी रात चुगनी प्रगति करे और हमारी सबकी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। और रोशन कॉम्प्लेक्स में मैं तो आज पहली बार इसका विजिट किया है लेकिन एक शानदार कॉम्प्लेक्स हमीरपुर में खुला है। इसमें अनेक प्रकार के एक ही स्थान पर कई प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त हैं और मैं भविष्य में भी आशा करता हूँ इसमें जो भी दुकानदार है जो भी यहाँ पर अपना कार्य जिन्होंने शुभारंभ किया है वो प्रगति करेंगे और इस कॉम्प्लेक्स में इस कॉम्प्लेक्स का एक जो उद्देश्य था कि हमीरपुर जिला में एक ऐसा हमीरपुर शहर में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जिनमें एक ही स्थान पर हर सुविधा प्राप्त हो वो भी हर व्यक्ति को यहाँ पर प्राप्त होगी। विशेषकर गणपति इंटरप्राइजेस इसका शुभारंभ हुआ है मेरे को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ बधाई देता हूँ और माता भगवती से प्रार्थना करता हूँ ये गणपति इंटरप्राइजेस इस शहर में सबसे आगे रहे आगे बढ़े इनको बहुत बहुत बधाई। ये कोमियो मोबाइल अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है हम गणपति इंटरप्राइजेस ने इस ये डिस्ट्रीब्यूशन ली हुई है और हमने ये रिटेल आउटलेट यहाँ रोशन कॉम्प्लेक्स गांधी चौक पे यहाँ पे जो हमीरपुर जिला का हब माना जाता है यहाँ पे शुभारंभ किया है और हम आशा करते हैं कि यहाँ पे हमें सभी रिटेलर का सभी भाइयों का सहयोग मिलेगा और आपके माध्यम से मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एम्स की घोषणा के बाद जागो मंच के अनशन पर बैठे साथियों का अनशन बिलासपुर के वीर साहित्यकार कुलदीप सिंह चंदेल ने जूस पिलाकर तुड़वा दिया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जागो मंच के साथियों को बहुत बहुत बधाई जो उन्होंने बिना किसी राजनीति के इस आंदोलन को चलाया और उसे कामयाबी दिलाई। एम्स की घोषणा के बाद जागो मंच ने अनशन पर बैठे साथियों का अनशन बिलासपुर के वरिष्ठ साहित्यकार कुलदीप सिंह चंदेल ने जूस पिलाकर तुड़वा दिया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जागो मंच के साथियों को बहुत बहुत बधाई जो उन्होंने बिना किसी राजनीतिक के इस आंदोलन को चलाया और उसे कामयाबी दिलाई। इस अवसर पर मंच के संयोजक प्रवेश चंदेल सह संयोजक पंकज ठाकुर प्रवक्ता केश पठानिया पवन शर्मा कैप्टन बालक राम दौलत सिंह ठाकुर करनैल सिंह चंदेल करम सिंह महेंद्र सिंह तिप्ति मार्केट के अध्यक्ष रामलाल शर्मा अमर सिंह पंकज गौतम जिलों से मंडी और कांगड़ा से नरेश व कपिल जो आंदोलन को मजबूती देने आए थे। इनके अलावा कल से अनशन पर बैठे साथी सुरेश चौधरी नसीब खान परविंदर शर्मा जितेंद्र ठाकुर व ज्ञानचंद शर्मा मौजूद थे। इस अवसर पर बिजली महंत ने भी बधाई खुशी के गीत व नृत्य करके व मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर जागो मंच ने बिलासपुर के तमाम नागरिकों संगठनों स्वयंसेवी संस्थाओं व्यापार मंडल ऑटो रिक्शा यूनियन तिप्ति मार्केट यूनियन ट्रक ऑपरेटर यूनियन वाल्मीकि सभा का भी धन्यवाद किया और उन्होंने पत्रकार साथियों का धन्यवाद किया जिन्होंने लगभग डेढ़ महीने तक बिलासपुर के लोगों की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाया। और इसके साथ ही मंच ने प्रदेश सरकार राजा वीरभद्र सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया जो ये तोहफा बिलासपुर को दिया। एम्स के लिए उन्होंने डेट फिक्स कर दी है 3 अक्टूबर की तो मंच जो है उनको सपोर्ट करेगा और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री बने जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे बिलासपुर का पूरे प्रदेश का एक अच्छा विकास हो। तो इसके साथ हमने जो अनशन जो हमारा चल रहा था मंच का वो आज 19वें दिन में प्रवेश कर गया था और उसके बाद उसको समाप्त करवाया गया तो उसको समाप्त करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आए उन्होंने करवाया। ये पहले भी हमने कहा था कोई राजनीतिक मंच नहीं है इसमें कोई राजनीति नहीं है तो इसी वजह से हमने वरिष्ठ पत्रकार को बुलाया और उन्होंने आकर के अनशन समाप्त करवाया। तो और कल के लिए हमारा प्रोग्राम है मंच का जो प्रोग्राम है कल का वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। कल ये जो शिलान्यास के लिए डेट फिक्स हुई है 3 अक्टूबर की उसी उपलक्ष में हमारा जागो बिलासपुर जागो मंच जो है विजय दिवस मना रहा है। विजय दिवस मना रहा है किस लिए मना रहा है कि मंच की जीत हुई और एम्स संस्थान का बनना लगभग तय हो चुका है पूरी तरह से जिला बिलासपुर के अंदर। तो इसी उपलक्ष में कल मंच की तरफ से 1 क्विंटल लड्डू
उसके ऑर्डर हम अभी देके आ गए हैं। एक क्विंटल लड्डू जो है वो बांटे जाएंगे कल सुबह ठीक 11 बजे। मेरी तमाम बिलासपुर की जनता से अपील है कि वो कल ठीक 11 बजे लक्ष्मी नारायण मंदिर में पहुंचें और इस विजय दिवस में अपना योगदान दें, हिस्सा लें इसमें बढ़ चढ़कर, ताकि यहाँ पे जल्द से जल्द एम्स का जो है वो शिलान्यास हो जाए। और 3 अक्टूबर का समय लगभग तय है, जो हमें पता चला है वो हमें पता चला है माननीय नड्डा जी के ट्विटर अकाउंट से और फेसबुक अकाउंट से हमें पता चला है कि 3 अक्टूबर को वो प्रधानमंत्री जी के साथ यहाँ आ रहे हैं और हमारा मंच पूरे दल बल के साथ, पूरे जोर और जोश के साथ उनका स्वागत करेगा, अभिनंदन करेगा और हम सम्मानित करेंगे उन्हें। हम दिल से धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 10 साल सफलतापूर्वक दुलेड़ा ऊना में कंप्लीट करने के बाद पूरी फर्नीचर हाउस अब आपके शहर हमीरपुर में मट्टन सेठ हनुमान मंदिर के सामने दे रहा है अपनी सेवाएं। अपने घर व ऑफिस को सुंदर बनाने के लिए आज ही आए पूरी फर्नीचर हाउस हमीरपुर और ले जाएं बेहतर क्वालिटी का फर्नीचर जो आपके घर की सुंदरता में लगा दे चार चांद। आपकी सुविधा के लिए सागवान लकड़ी से तैयार करवाए जाते हैं सोफा कम बेड, दीवान कम बेड, डाइनिंग टेबल, चेयर, अलमीरा की भारी रेंज। आपके ऑफिस को नए लुक देने के लिए हम देते हैं गारंटी के साथ डिजाइनर रिवॉल्विंग चेयर, सेलो प्लास्टिक चेयर व ऑफिस की हर जरूरत का सामान। साथ ही हमारे यहाँ उपलब्ध है गोदरेज के गद्दे। तो दीजिए अपने घर व ऑफिस को नई लुक पूरी फर्नीचर हाउस के साथ। हमारा पता है पूरी फर्नीचर हाउस नियर हनुमान मंदिर मटन सिद्ध हमीरपुर। हमारा नंबर है 9816562762888942339090। ठाकुर द्वारा गौशाला समिति वर्ष 2001 से लावारिस बेसहारा तथा पीड़ित गाय की कर रही है देखभाल। कमेटी के अथक प्रयासों, दानदाताओं के सहयोग से पीड़ित गौधन को बचाने का किया जा रहा है प्रयास। कमेटी द्वारा लावारिस पीड़ित व बेसहारा गौओं की जाती है सेवा। गौशाला में गाय का घी, अर्क व पंचगव्य से निर्मित धूप दवाइयां भी हैं उपलब्ध। गौशाला में किसानों के लिए वर्मिंग खाद भी की जाती है तैयार। गौशाला में गौ पूजन, गौदान, तुलादान, शनि, नवग्रह व नवरात्रों पर पूजा पाठ का किया जाता है विशेष आयोजन। दानी सज्जन गौशाला में दान करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर पर दान कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई दान राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में भी दी जाती है छूट। तो आज ही आए ठाकुर द्वारा गौशाला समिति जमली धाम और बने पुण्य के भागी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर में दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन के नवनियुक्त अध्यक्ष सुशील शर्मा ने एसटूडी में बातचीत के दौरान अपनी प्राथमिकताएं बताई। नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा कि संगठन के साथ हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की हर समस्या को प्रमुखता के साथ हल किया जाएगा। आइए देखते हैं दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन के नवनियुक्त अध्यक्ष सुशील शर्मा से बातचीत के अंश। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी की विशेष रिपोर्ट में। आज हमारे साथ हैं द उपभोक्ता संरक्षण संगठन के नव नियुक्त अध्यक्ष। आइए उनसे बात करते हैं कि वो तीसरी बार जो हम वो संगठन के जो अध्यक्ष बने हैं, क्या उनकी प्राथमिकता रहेंगी और क्या वो आगे करने वाले हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है एस्टोडे में। आप बताएंगे कि क्या आप तीसरी बार जो हैं वो अध्यक्ष बने हैं, तो क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी इस बार? देखिए, हमारी प्राथमिकता ये रहेंगी कि जो उपभोक्ता के अधिकार हैं उनको सुनिश्चित किया जाए। जैसे कि हमारे पास हमीरपुर जिला है, हम चाहते हैं कि हमीरपुर जिला के जो अधिक से अधिक लोग हैं वो इस अब उपभोक्ता आंदोलन के साथ जुड़ें, अधिक से अधिक लोग जो हैं हमारा जो बेनिफिट उठाएं, अधिक से अधिक लोगों को उपभोक्ता कानून की जानकारी हो, ताकि उपभोक्ता जो हैं ठगे जाने से बच सकें। तो हमारी यही कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को इस उपभोक्ता आंदोलन के साथ जोड़ा जाए। साथ ही अभी जो है आपने कार्यकारिणी का गठन किया है, उसमें क्या आपने रणनीति बनाई है कि किस तरह से कार्यकारिणी जो है वो काम करेगी, सदस्य किस तरह से जो है वो उपभोक्ता संगठन में जो है वो काम करेंगे?
देखिए, इस बार जो हमने कार्यकारिणी बनाई है उसमें मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग जो हैं वो सभी वर्गों को लेंगे, उसमें युवाओं को भी इस बार हमने काफ़ी तरजीह दी है, जो व्यावसायिक लोग हैं जैसे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको भी लिया है, पत्रकारिता से जुड़े लोगों को लिया है, तो लगभग संतुलन बनाने की कोशिश की गई है ताकि हर तबके का जो उनका जो अनुभव है उसका हम लोग फ़ायदा उठा सकें, इसलिए हमारी कोशिश है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने कहा था शुरू में ही कि हम लोग लीगल सेल जो है वो अलग से बनाएंगे, उसकी अभी हमने घोषणा नहीं की है, तो उसमें कुछ एडवोकेट्स को अलग अलग जो सब डिविज़न पे एडवोकेट्स हैं उनको भी हम इस आंदोलन के साथ जुड़ेंगे ताकि लोगों को सस्ता और जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जा सके। इसके साथ ही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि महिलाओं को अधिक से अधिक जोड़ने की हम चाहते हैं कि इसमें मुहिम शुरू की जाए, तो इसी मुहिम और इस रणनीति के तहत इस बार हमने जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला विंग अलग से गठित किया है, वो हमारे साथ ही काम करेगा लेकिन उसकी अध्यक्ष अलग रहेंगी ताकि वो अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी जो है इस आंदोलन के साथ सुनिश्चित करें, क्योंकि देखने में आया कि महिलाएँ भी जो है रोजाना शॉपिंग करती हैं, अगर अधिक से अधिक महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें, अधिक से अधिक महिलाओं को उपभोक्ता आंदोलन के साथ जुड़े तो मैं समझता हूं कि तभी हम हमारा जो आंदोलन करने का जो एक प्रयास है वो सफल हो पाएगा। साथ ही अगर देखा जाए तो हमीरपुर शहर में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनसे लोगों को जो है वो रोजाना जो है वो दो चार होना पड़ता है, तो क्या उपभोक्ता अदालत या आंदोलन जो है वो इन समस्याओं को भी, हमीरपुर शहर की समस्याओं को भी उठाएगा? देखिए, हम लोग जैसे जब से ये संगठन बना है तब से ही उपभोक्ताओं के की जो समस्याएं हैं हमीरपुर जिला की, या कई बार ओवरऑल हमीरपुर जिला भी उसमें सफ़र करता है और बाकी ज़िले भी, तो हम लोगों ने ये मामला उठाया, और क्योंकि उत्तरी भारत का ये सबसे महत्वपूर्ण संगठन है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो संस्थान है वो भी इसको रिकॉग्नाइज करता है, वहाँ पर हर साल हमारे जो दो लोग हैं वो ट्रेनिंग के लिए हर साल जाते हैं, ये बड़े गर्व की बात है। उसके बाद साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी संस्थाएं मतलब नॉर्थ इंडिया में रिकॉग्नाइज हैं उन संस्थाओं में भी सबसे महत्वपूर्ण जो है और सबसे ज़्यादा महत्व जो है दी हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन को दिया जाता है। इसी कारण मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं कि जो भी लोगों की समस्याएं हैं उसको उनके निवारण के लिए हम हर तरह से तत्पर रहेंगे, कोई भी चाहे जर्नल हो या फिर किसी की व्यक्तिगत समस्या हो, गरीब व्यक्ति है हम लोग उसकी भी सहायता करेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि हम अलग से लीगल सेल भी गठित कर रहे हैं, और हमेशा से पहले भी हम लोग लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं, लोगों की समस्याओं का निवारण करते रहे हैं, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों की समस्याओं का अधिक से अधिक निवारण करें, और मैं लोगों से भी मांग करूंगा कि वो भी हमारे आंदोलन के साथ जुड़ें, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं वो हमारे आंदोलन के साथ जुड़े। अध्यक्ष होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अध्यक्ष होने के नाते सभी लोगों से मांग करता हूं कि अपने अधिकारों के प्रति, जो उपभोक्ता अधिकार हैं उनके प्रति जागरूक रहें, अपनी आवाज़ उठाएं, कम से कम व्यक्ति को पहले आवाज़ उठानी पड़ेगी, अगर कोई चाहता है कि उसे न्याय मिले तो उसे कम से कम पहले आवाज़ उठाए, उसके बाद हमारे पास आए, उसकी अगर समस्या का निवारण अपने स्तर पर नहीं होता तो हमारी कोशिश होगी कि हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह है कि आपको उपभोक्ता अधिकारों के प्रति साक्षर होना पड़ेगा, और साक्षर होकर आप अपने अधिकारों की आवाज़ उठाएं। तो आपने देखा कि दी हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन के अध्यक्ष ने हमसे बात की और अपने विचार रखे और लोगों से भी अपील की कि संगठन के साथ जो वो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। एसटूडे के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी की रिपोर्ट। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों और जानकारियों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए एसटूडे के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के इस अंक में। आइए सबसे पहले